राम राम भाइयों, मारे द्वारा एक और कमेंट आया था जो कि नाम है अर्चना। इन्होंने सवाल कराया है भाई, 1 किलो चावल में कितने आदमी निकट जावांगे। देखो भाई, यह थोड़ी सोचने की बात है। इसमें भी 1 किलो चावल में कितने आदमी निकट जावांगे और की डालिया सेटिंग बैठेगी। कई बार आप मेडिकल तक गोली लेवा है, वह एक ही गोली कई चीजें में काम कर देवा है। कुछ चावल का भी इसे डाला हल बना है, कई डाल की इसकी नॉलेज सी हो जाए थोड़ी। आप ब्याह शादी में बनावा हाँ, उस टाइम चावल कम लग गए हैं, और ब्याह शादी भी देख लेवा हाँ, उसका बाद में हम आइटम देखा हाँ भाई, कितने का आइटम होगा उसका भीतरे। जैसे कि 2-3 दाल की सब्जी हो जाए है, चावल हो जाए है, और रायता भी हो जाए है, और पकोड़े सकोड़े या ट्रम्प ट्रम्प बहुत ज्यादा हो जाए है। उस टाइम में देखा हाँ, तो 1 किलो चावल 50 आदमियों ने भी कवर कर लेवा है। और आपा शाम की टाइम देखा है, बारात का टाइम देखा है, उस टाइम 2 किलो चावल तो पूरी बारात ने 250-300 आदमी ने भी कवर कर लिया है। और एक ले चावल की बात करा हाँ, यदि घर ना बनावांगे तो उस टाइम 1 किलो चावल 20 आदमी ने सार देवा है। देख सोचने की बात है भाई, कितने आपा 1 किलो चावल 20 आदमियों में यूज करेंगे, और कितने 1 किलो चावल 150-200 आदमी भी काट दे है। क्यों है, आइटम आइटम का फर्क हो गया है। और जिस टाइम ब्याह शादी का टाइम हो है, उस टाइम वैरायटी जिस टाइम ज्यादा बढ़ा है, उस टाइम चावल की लागत कम आव है। इसकी कोई मैक्सिमम औसत कौन निकाली जाए भाई, औसत उस टाइम निकाली जाएगी जिस टाइम अपन फिक्स वेरा पार जाएगा, ये आइटम से अपना खाना में, और उस खाना के हिसाब से मैक्सिमम 1 ले चावल लेकर चलोगे तो 20-25 आदमी 1 किलो चावल में निकल जाएंगे भाई। 1 ला चावल या फिर कढ़ी लेकर चलोगे इसका साथी, तो 20-25 आदमी इसका मैं निकल जाएंगे। इसे डाल के भाई वीडियो लाता रहा हूँ मैं। और भाई मारी वीडियो थमें अच्छी लगती, इसने लाइक कर दियो भाई। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथी, तब तक धन्यवाद भाई।